हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विथ रोहित 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं साझेदारी संबंधित प्रश्न, यानी पार्टनरशिप के संबंधित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोला है, गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 रुपया और 25,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोली। एक वर्ष बाद बोला है उन्हें 23,100 रुपया का लाभ हुआ। बोला कुणाल को कितना धन मिलेगा। बोला है कुणाल को जो है कितना धन मिलेगा। अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर कहीं पे ऐसा रहे तो ए का क्या होता है, पूंजी। ए का जो पूंजी होगा, ए का पूंजी का रेशियो जो होता है, फिर बी के पूंजी का रेशियो बराबर जो होता है ए का लाभ रेशियो क्या होता है, बी का लाभ। दोस्तों इस कंडीशन का क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एम मतलब कुणाल, कुणाल का जो है धन कितना है, इसमें बोल रहा है कुणाल और गोपाल, गोपाल और कुणाल का धन क्रमशः इतना है। तो गोपाल का धन 15,000 है, तो रेशियो फिर क्या होगा, कुणाल का धन कितना है दोस्तों, 25,000। तो 25,000 लिखेंगे हम। दोनों का रेशियो क्या कर दिए, बराबर कर दिए। लाभ भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बोला एक वर्ष के बाद उन्हें इतना रुपया का लाभ हुआ। लाभ टोटल कितना रुपया का हुआ है, इतना रुपया का। ये दोनों के रेशियो के बराबर क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि ये दोनों का पहले रेशियो निकालेंगे, क्या हो गया प्रिंसिपल किसका, गोपाल का हम लिख सकते हैं। रेशियो क्या होगा, किसका, फिर कुणाल का। इस प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसका पहले लाभ का रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो यहां से देखेंगे क्या है, रेशियो का मतलब बट्टा लिखेंगे यहां पर, बराबर क्या होगा, गोपाल का रेशियो प्रॉफिट, रेशियो क्या प्रॉफिट किसका, कुणाल का प्रॉफिट। दोस्तों ये 000 काट देंगे, ये हो जाएगा 3-5 के टेबल से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी 3:5 में क्या होगा दोस्तों, पीजी पीके, यानी प्रॉफिट किसका, गोपाल का प्रॉफिट किसका, कुणाल का। दोनों ये इसका जो प्रॉफिट होगा दोनों का, गोपाल का प्रॉफिट होगा 3 और किसका, कुणाल का प्रॉफिट होगा 5। यानी प्रॉफिट का रेशियो जो निकला 3:5 निकला। अब क्या देखेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, ये तो रेशियो निकला, तो क्या पूछ रहा है, कुणाल को कितना धन प्राप्त हुआ, यानी किस निकाला है, कुणाल का धन निकाला। तो सो इसलिए लिखेंगे हम कुणाल का धन, कुणाल का धन। तो कुणाल का अगर हम धन निकालते हैं, कुणाल का अगर धन क्या होगा दोस्तों, इसका लाभ कितना हो गया 5, जबकि टोटल कितना है, टोटल प्रॉफिट 3+5, यानी 3+5 लिखेंगे और गुना टोटल कितना है, प्रॉफिट टोटल कितना है दोस्तों, 23,100। इसको लिखेंगे और इसको हल करने के बाद क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर्स निकलेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ से चलते हैं, क्या हो जाएगा ये 5/8 गुना 23,100। इसको काटेंगे 8 से, 8 से काटेंगे दोस्तों, कितना बार में आ जाएगा, 18 × 8 = 16 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 4 × 3 = 7 = 1 और फिर कितना 8 × 8 = 64, फिर क्या बचेगा दोस्तों 7, फिर 0, फिर 8 × 8 = 64, फिर 6, फिर 0, फिर 8 × 7 = 56, फिर कितना 4 नहीं कुछ तो है, क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 8 × 5 = 40, इतना आएगा दोस्तों। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1443 75, यह आ जाएगा। इतना रुपया क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इतना रुपया क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कुणाल को जो धन प्राप्त होगा दोस्तों, ये जो होगा कुणाल का कुल, कुणाल का प्राप्त धन, धन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4437508, इतना रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ट्रिक्स की सहायता से देख लें दोस्तों। डायरेक्ट हम इसका क्या करते थे, रेशियो करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इसका हम क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। तो 000 कटेगा, यानी कि 3 ये हो जाएगा 5, रेशियो निकलेगा। तो किसका, पहले कुणाल का 5 15,000 है, तो 3/8 क्या हो जाएगा, 8, दोनों को रेशियो जोड़ देंगे और कितना प्रॉफिट है, डायरेक्ट इसको हम कर देंगे। इसको काटने के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, 75।
अगर हम क्या करेंगे, पहले इसको अगर हम समझे रहेंगे तो क्या करेंगे, इतना आसान से इतना में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें सिंपल बोला है, ओ और बुआ ने क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, तो लाभ का अनुपात बोला है, उसके लाभ को किस अनुपात में बटा सकता है। दोस्तों यहाँ पे क्या बताए थे, लाभ का अनुपात बांट करके कुल लाभ पर, इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि अनुपात किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ओ का धन जो है इसको लिखेंगे, ओ का धन अगर देखते हैं दोस्तों ये तो क्या कितना 15,000 रुपया, जबकि बो का अगर हम धन देखते हैं, बो का धन देखते हैं तो क्या हो जाए 22,500 है। तो दोस्तों क्या बोला है, दोनों का रेशियो निकालने के लिए अनुपात का हम बता चुके हैं, ये दोनों का धन कितना है, दोनों का धन का रेशियो होता है, यानी कितना 15,000 रेशियो 22,500 बराबर क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है, क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट और रेशियो क्या होगा प्रॉफिट वो, इस प्रकार से रेशियो पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, 00 से 00 कैंसिल करेंगे, 25×6 और 25×9 ये हो गया दो बार में, ये हो गया तीन बार में, यानी कि ये प्रॉफिट और रेशियो प्रॉफिट वो, कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो होगा, ये जो हो गया दोस्तों प्रॉफिट और रेशियो प्रॉफिट वो जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2:3, क्या हो जाएगा 2:3, यही दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया गया है, नवीन ने 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, बोला 3 महीने बाद किशोर ने 60,000 रुपया लगाकर उसमें शामिल हो गया, तो बोला है कि वर्ष के अंत में वे लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे। क्या पूछ रहा है, वर्ष के अंत में लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे। दोस्तों बता चुके हैं जो भी है नवीन लगाया है, अगर नवीन का हम धन देखें, क्या देखें नवीन का धन, रेशियो क्या हो जाएगा बाद में कौन सा, किशोर का धन, किशोर का धन, तो बता चुके हैं ये क्या होता है लाभ के अनुपात प्रॉफिट ऑफ, अगर नवीन देखेंगे नवीन फिर प्रॉफिट ऑफ किसके, किशोर, ये क्या होता है बराबर होता है, ये हम पहले भी क्या कर चुके हैं बता चुके हैं। तो दोस्तों अगला इस प्रकार से देखेंगे, तो नवीन क्या किया है 80,000 रुपया लगाया है, नवीन क्या किया है 80,000 रुपया लगाया है, उसके बाद क्या किया है ये जो है किशोर, किशोर क्या किया है 60,000 रुपया लगाया है, 60,000 रुपया लगाया। दोस्तों इसने बोला है कि एक वर्ष के लिए पुनः 3 महीने बाद किशोर लगाया, तो यानी इसका मतलब नवीन जो होगा 1 वर्ष के रुपया लगाया है टोटल, और 3 वर्ष बाद यानी कि नवीन का जो है 3 महीना पैसा लगाए हुए हो गया, उसके बाद किशोर क्या क्या अपना रुपया लगाया है, तो कहने का मतलब क्या हो गया 60,000 जो रुपया लगाया है वो 3 महीना बाद लगाया, यानी साल में 12 वर्ष होता है, 3 महीना बाद लगाया है तो 12 में से 3 घटा देंगे, कहने का मतलब क्या हो गया ये 9 महीने के लिए क्या है रुपया लगा है, किशोर का धन सिर्फ 9 महीने के लिए लगा है जबकि नवीन का धन 12 महीने के लिए लगा है। तो दोस्तों उसके बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। दोस्तों अगर 000 से 000 इधर क्या करते हैं काटते हैं, फिर 10 से 10 क्या करते हैं काट देते हैं, अगर इसको काटेंगे टेबल से दो बार में, दो के टेबल से काटेंगे तो 4 बार में ये कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, अगर दोस्तों 4 के टेबल से इसको हम काटते हैं, 4 के टेबल्स नहीं, ये 4 नहीं कटेगा दोस्तों, अगर हम 3 के टेबल से इसको काटते हैं तो कितना बार में 4 बार में क्या होगा कैंसिल, तो 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16, इधर रेशियो क्या हो जाएगा 9, यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया क्या आ गया दोस्तों 16:9, यानी कि नवीन का जो है 16 लाभांश होगा, लाभांश का अनुपात 16 होगा, जबकि किशोर का जो है 9 लाभांश होगा, क्या होगा किशोर का 9 लाभांश, ये रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो लिखा डायरेक्ट क्या होगा, यही चीज क्वेश्चन से दोस्तों क्या गया है पूछा गया, तो 16:9 क्या हो गया 9 हो गया, कहने का मतलब ये क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। इसमें कुल प्रॉफिट जो अगर पूछेगा, कुल प्रॉफिट क्या हो गया दोस्तों, कुल अगर प्रॉफिट लिखे, कुल अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो 16+9 यानी कितना हो गया 25 हो गया, इसमें जो है क्या कितना भाग 16 भाग है नवीन का, जबकि 9 भाग किसका है कुणाल का है। तो फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।